अगस्त तक अभी नहीं चाहेंगे कि ईशान जो है वो नहीं नहीं डांस नहीं करें एक नीचे मैं रोमांटिक तो नंबर। से यार पेंटर से चटनी गिर गई थी वो साफ करने के लिए लेके गया, अभी तक आया नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ लेके भाग भी नहीं गया तुम्हारे जूते। नो मैन जस्ट किडिंग रिलैक्स। मैंने डिसाइड किया कि एक वेटर को बोलेंगे कि कील जो है उनके पैरों में लगा दें ताकि वो हर्ट हो जाए और डांस ना कर सकें और अगस्त से जाके डांस कर लें। So finally, अगस्ता ने एक नया पासा फेंक दिया है, ये क्या अगस्ता की चाल है, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो जो हो रहा है? वेल हाँ, बिकॉज अगस्ता ने बोला था एक कपल डांस है जो प्लान करके रखा हुआ है, बट वो कपल डांस होना था ईशान और बाकी के बीच में, बट अगस्त यहाँ पे भी कोई ना कोई एक मोटिव उनके बीच उनके दिमाग जहन में जो चलता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक वेटर को बोलेंगे कि कील जो है उनके पैरों में लगा दें ताकि वो हर्ट हो जाए और डांस ना कर सकें और अगस्त जाके डांस कर लें। सो दिस इज व्हाट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। ये चाल तो अगस्ता ने चल दी है, अब क्या करने वाले हैं अगस्त इसके आगे की अगर मैं बात करूँ तो? इसके आगे जो है कपल डांस होने वाला है, बहुत ही रोमांटिक सा, वो हम लोग कल शूट कर चुके हैं ऑब्वियसली। और हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली ये अगस्त कभी नहीं चाहेंगे कि ईशान जो है वो डांस करें एक रोमांटिक नंबर, तो खुद ही अगस्त किसी तरह स्टेज पे जाके उनके साथ डांस करते हैं। अगस्त की जो एंड में जो एक स्माइल थी जो कि अब तो मैं सब संभाल लूंगा, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो मैंने ऐड किया था सीन में, वो था नहीं स्क्रिप्ट का पार्ट, बट आई हैड टू से कि अब मैं आ गया हूँ, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। इसका मतलब ये था कि अगस्त्य का एक दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है कि कैसे वो बाकी को अपना बनाएगा और कैसे उसकी जो ये जो सेरेमनी चल रही है उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। तो अभी तो ये तो एक प्लान तो आपने छेड़ ही दिया है, तो कुछ तो गड़बड़ आपने कर ही दी है, और क्या यहाँ पे बैठे हुए ईशान उनकी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? वेल हाँ, सीन में ऐसी था कि जब वो उनकी कील लगती है तो मैं ऐसे उनके मज़े लेने के लिए चले जाता हूँ कि यार तुम्हें कैसे कील लग गई, कहीं वेटर लेके भाग तो नहीं गया तुम्हारे जूते से, वही सब चल रहा था। यार बाकी के साथ डांस कैसे करोगे? जस्ट वंडरिंग यार।